खालसा जी अंग्रेजा ने सिंघा दा टाकरा करन वास्ते पूरी तैयारी कर ली। सरदार शाम सिंह अटारी जी ने आखिया पेट करिए सिर असी एहो सदर असा दे दिल दी है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। आन दे वेला वखावांगे असी की चीज हां हुणे की दसीए केड़ी गल असाडे दिल दी है। ए थलां नूं पाउण वाले रस्ते विच ना पौं बही दूर तो भी दूर होवे पाल उस मंजिल दी है। ना हुण पिछे वलवले ने ना है अरमाना दी पीड़ देश उत्तों मर मिटन दी तांग ही बिस मिलदी है। सरदार शाम सिंह जी अटारी अपनियां फौजां दे नाल अंग्रेजां दा टाकरा करन वास्ते पूरी तरह तैयार खड़ियां हन। खालसा जी अज तक अंग्रेज लिखारी लिख रहे ने असां ने सिखां नूं मैदान विच नहीं जितया। ते सिख लोग भी उच्चियां बाहां करके कहिंदे ने असी अंग्रेजां तों नहीं हारे। ते फिर खालसा जी होया कि दिल के फहोले जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। खालसा जी ए डोगरे एक एक रुपए विच सिख फौजां विच भर्ती होए लेकिन वधदे वधदे ए पंजाब दे करता तरता बन गए। नीचों ऊच होण दा जो इन्हां ने सबूत दिता है ओ सानू भुल नहीं सकदा। जिनको हार समझा था गला अपना सजाने को वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। एक मुसलमान कवि शाह मुहम्मद लिखदा है आइया पलटना बीड़ के तोप खाने अगो सिंघा ने पासड़े मोड़ सुटे मेवा सिंह ते माखी खां होए सिद्धे हल्ले तीन फरंगी दे तोड़ सुटे शाम सिंह सरदार अटारी वाले बन शस्त्री तोर मरोड़ दिते ओ शाह मुहम्मदा सिंघा ने गोरियां दे वांग निबुआ लहू नचोड़ दिते। खालसा जी सबरावां दे मैदान विच बड़ा गै गज जंग होया। इतिहासकार लिखते ने जदों सिख फौजा ये मैदान फतेह करन उत्ते आ गईयां तां गद्दार तेज सिंह ने सतलुज दरिया का पुल तोड़ दिता और फौजा नूं लै के दौड़ उठिया। इधर जदों शाम सिंह अटारी जी ने वेखिया कि गद्दार तेज सिंह गद्दारी कर गया है सरदार लाल सिंह गद्दारी कर गया एक आखिरी हल्ला सरदार शाम सिंह जी अटारी दुश्मन दल उत्ते हे ऐं कर रहे ने। Woo!
कुर्बानी देंदे हन। एक उर्दू दा शायर इन्हां दी इंसानियत दी सही तस्वीर खिंचदा है। वह कहिंदा है, फरिश्ते भी घर मुबतलाए, आजमाइश हो तो चीख उठे, ये तो इंसान है के दिए जा रहा है इम्तिहान अपना, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।